मेरी क्वालिफिकेशन बीए बीएड है और मैं टीचिंग करती हूँ। इसके अलावा मेरी ये जो डिज़ीज़ है ये मुझे 12 साल पहले मेरी ये स्टार्ट हुई। अब मेरी उम्र 31 साल है और मैं अनमैरिड हूँ। मेरे छोटे भाई ने मुझे अपना जिगर दिया है, अल्लाह ताला उसका भला करे। उसने इतना सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। तो मुझे जॉइंडस मतलब पीला ईयर कान हो गया था, जिसकी मैंने परवाह नहीं की, केयर नहीं की। कभी बीमार नहीं हुई थी तो मैंने इसकी कोई केयर नहीं की। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। मेरे सारे जो ब्लड टेस्ट थे वो नेगेटिव आते थे। फिर मेरी बायोप्सी हुई, उसमें पता चला कि मुझे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, जो कि मेरी स्टीरॉयड्स डेल्टा कॉर्टल पे ही आगे मेरी लाइफ जो है वो चल सकती है। मैंने 12 साल वो खाई। उसके बाद मुझे फिर ये हो गया कि मतलब मैं उस पर भी जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपका ट्रांसप्लांट होगा। और फिर उन्होंने ही इस PKLI हॉस्पिटल का हमें बताया कि आप लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है, हो रहा है। और फिर यहाँ आई, यहाँ पर भी मुझे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। फिर कोविड स्टार्ट हो गया, इसलिए मेरा नहीं हो पाया ट्रांसप्लांट। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ की टीम, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ, हर चीज़ से बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे डॉक्टर्स मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखे। बस मैं सबको ये कहना चाहूँगी, अगर बीमारी है, अगर आपको तकलीफ़ है, उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस तकलीफ़ में तूने डाला है और तू ही निकालने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं है। बस सब लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है, और अपनों के साथ रहें, अपनों के लिए जिए। बस हम लोग ये सोचते थे कि तब हमें इतना इस बारे में नॉलेज नहीं था, इलम नहीं था कि ये क्या चीज़ है और कितना बड़ा ऑपरेशन है, कितनी सर्जरी है, इसमें क्या क्या वो रिस्क हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मुझे इसकी जो है वो सेहत के आगे कुछ नज़र नहीं आता था, तो इसलिए मैंने जो है अपना वो लीवर जो है वो डोनेट करने का सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-1 हफ़्ता पहले हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, हम यहाँ के स्टाफ से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। डॉक्टर्स, जो नर्सिंग स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर बोले वो कोऑपरेटिव हैं सारे, हर बंदा यहाँ बात सुनता है आपकी, बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है, ठीक है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से हैप्पी होके गए हैं। बाकी थैंक यू PKLI। थैंक यू PKLI।